Hi friends. नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर अत्यंत खुशी होगी कि नव भारती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक आदरणीय डॉक्टर प्रभास शर्मा के दिशा निर्देशन में बीएड की ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की जा रही हैं, जिनका आप नव भारती स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। सर्वप्रथम हम राजस्थान का सामान्य ज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग प्रथम को लेकर उपस्थित हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की जब हम बात करते हैं तो इसका जो स्वरूप है, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, जो 7 संभाग 33 जिले में विभक्त है, वो 1 नवंबर 1956 तक जो एक वास्तविक राजस्थान का स्वरूप आया था, 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का 7 चरणों में होकर स्वरूप विकसित हुआ, जिसमें 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। यानी कि जो राजस्थान का स्वरूप था 1 नवंबर 1956 को, उसमें 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। और जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। जब राजस्थान का स्वरूप पूर्ण हुआ तब अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, यही राजस्थान का 26वां जिला बना था। यानी कि अजमेर राजस्थान का 26वां जिला था। और 1 नवंबर 1956 को, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के अंतर्गत 26 जिले हुआ करते थे, यानी कि कुल 26 जिले हुआ करते थे, जो कि आज 33 जिले हैं, वो 1 नवंबर 1956 को केवल और केवल 26 जिले थे। यदि इन जिलों की बात करें संपूर्ण राजस्थान पहले रियासतों में विभक्त था, और जो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। यानी कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जिसको जाता है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम जिलों की बात करें तो यानी कि उस में 26 जिले थे, जैसे संभाग कितने हैं 7, और स्वतंत्रता यानी कि 1 नंबर छप्पन तक जिले और बाद में जो जुड़े वो जिले। तो कहने का मतलब, मान लो भरतपुर संभाग पहला,
भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो आते हैं भरतपुर, नंबर दो सवाई माधोपुर, कहने का मतलब भरतपुर और सवाई माधोपुर दोनों जिले 1 नंबर 1956 तक बन चुके थे, और जो दो जिले बाद में जुड़े वो धौलपुर और करौली। यानी कि धौलपुर जो जिला जुड़ा था वो 15 अप्रैल 1982 यानी कि 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को जोड़ा गया, और 19 जुलाई 1997 यानी कि 19 जुलाई 1997 को करौली जुड़ा। धौलपुर जो जिला था वो राजस्थान का 27वां जिला था, और करौली जो जिला था वो राजस्थान का 32वां जिला था। कहने का मतलब 26 जिले थे 1 नंबर 1956 तक, जिसमें 26वां जो जिला था वो था अजमेर। ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि यानी कि 1 नंबर 1956 जब राजस्थान का निर्माण हुआ था तब उस समय राजस्थान में जिलों की संख्या थी तो कितनी थी 26, और 26वां जो जिला था वो अजमेर, और 27 नंबर पर धौलपुर जुड़ा जो कि 15 अप्रैल 1982 को, और 32 नंबर पर करौली जुड़ा 19 जुलाई 1997 को। नेक्स्ट जो संभाग है वो जयपुर। जयपुर के अंतर्गत यानी कि भरतपुर पहला जिला, सवाई माधोपुर दूसरा जिला, और तीसरा जिला जयपुर। सीकर नंबर 4 सीकर, नंबर 5 झुंझुनू, नंबर 6 अलवर, और इसमें जो जिला जुड़ा था वो दौसा। ये 27, 28 और 29 एक साथ जो जिले जुड़े थे, सॉरी 28, 29 और 30 यानी कि 28, 29 और 30 अप्रैल को, 28, 29 और 30 अप्रैल को एक साथ तीन जिले यानी कि दौसा, ये 91 में जुड़े थे, दौसा, बारां और राजसमंद। कहने का मतलब 28, 29 और 30 में नंबर पर जो जिले जुड़े थे वो दौसा, बारां और राजसमंद, और ये कब जुड़े थे 10 अप्रैल 1991 यानी कि दौसा को जोड़ा गया था 10 अप्रैल 1991 यानी कि 10 अप्रैल 1991। ये 28वें नंबर का जिला था और जिसका नाम था दौसा, जो कि किस संभाग में आता है, जयपुर संभाग में आता है। कहने का मतलब भरतपुर संभाग के अंतर्गत दो जिले ऐसे थे जो 1 नंबर 1956 से पहले जुड़ चुके थे और दो जिले बाद में आए,
दूसरा जो संभाग है जयपुर संभाग, जिसमें 5 जिले हुआ करते हैं वर्तमान में, उनमें एक जिला ऐसा है दौसा, जो कि 10 अप्रैल 1991 को जोड़ा गया था, और पूर्व में जो जिले थे जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अलवर। तो कहने का मतलब 6 जिले हो गए, जो 26 होने हैं, यानी कि एक नंबर 1956 तक जो जिले हैं वो 26 हैं, और 33 में से यदि हम 26 को निकाल देते हैं तो यानी कि 7 जो जिले हैं वो कब जोड़े गए थे, बाद में जोड़े गए थे। कहने का मतलब एक नंबर 1956 के बाद में जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट संभाग है बीकानेर संभाग। सात बीकानेर, हनुमानगढ़, लेकिन याद रखना दोस्तों हनुमानगढ़ जो जिला है वो बाद में जुड़ा था, ना कि एक नंबर 1956 से पहले। हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर संभाग के जो 4 जिले हैं वर्तमान में, उनमें से 3 जिले ऐसे हैं जो एक नंबर 1956 से पहले के हैं, और एक जिला ऐसा है हनुमानगढ़ जो कि 30वां जिला है, ओ सॉरी 31वां, और इसको जोड़ा गया था 12 जुलाई 1994। कहने का मतलब 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट संभाग है जोधपुर। जोधपुर संभाग के अंतर्गत 10वां जिला जोधपुर, ग्यारह जैसलमेर, बारह जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, पाली, सिरोही, और 15 में जालौर। यानी कि जोधपुर संभाग के जो जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर, 6 के 6 जिले यानी कि एक नंबर 1956 तक विद्यमान थे। नेक्स्ट जो संभाग है वह है अजमेर। अजमेर 16 नंबर, 17 पर भीलवाड़ा, 18 पर टोंक, 19 पर नागौर।
कहने का मतलब अजमेर संभाग के जो चार जिले थे, जो अजमेर 26वां जिला था, जो 1 नवंबर 1956 को ही जोड़ दिया था। तो जिलों की संख्या हो गई 19। नेक्स्ट जो संभाग है कोटा, कोटा इक्कीस, बूंदी और 22, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, तीन जिले ऐसे थे कोटा संभाग के जो 1 नवंबर 1956 से पूर्व विद्यमान थे। इसके इस संभाग में एक 12 जिला आता है जो कि बाद में जोड़ा गया था 10 अप्रैल 1991। नेक्स्ट है और लास्ट है उदयपुर संभाग। और 23वां जिला है उदयपुर, चौबीसवां जिला है चित्तौड़गढ़, 25वां जिला है डूंगरपुर और 26वां जिला है बांसवाड़ा। और इसका जो प्रतापगढ़ जिला था, यानी कि प्रतापगढ़ जो जिला है वो बाद में जोड़ा गया था, प्रतापगढ़ को जोड़ा गया था 26 जनवरी 2008, जो कि 33वां जिला है। कहने का मतलब दोस्तों, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, जो 7 संभाग 33 जिले में विभक्त है वर्तमान में, उसका जो मूल स्वरूप, मूल राजस्थान जो कंप्लीट हुआ था, जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, उस समय जिलों की संख्या 26 थी और जो 7 चरण थे उसमें पहला जो चरण था वो मगध संघ था, दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान के नाम से जाना गया, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा बृहद राजस्थान और 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान और 6वां चरण राजस्थान संघ और 7वां और लास्ट जो चरण था वो राजस्थान था। इस प्रकार राजस्थान का निर्माण हुआ और उस समय यानी कि 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, यानी कि राजस्थान के निर्माण में जो समय लगा वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी कि किसी एक दिन का परिणाम राजस्थान का निर्माण नहीं है। राजस्थान का निर्माण लगभग 8 वर्ष 7 माह 14 दिन के क्रमिक विकास का परिणाम है, जिसके बाद राजस्थान अपने मूल स्वरूप में आया। और राजस्थान का जब निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था लावा, और जो 3 ठिकाने थे उसमें कुशलगढ़ लावा और नीमराणा,
ये तीन ठिकाने थे। हम सात चरण जो राजस्थान के सात चरण दिए गए हैं, जिन सात चरणों में राजस्थान का निर्माण हुआ है, उन प्रत्येक चरण को विस्तार से नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।